बहुत ही अलग और टेस्टी एक चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसे कि आपने शायद कभी ट्राई ना किया हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी होता है और आप इसे किसी भी चीज़ के साथ में सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा साउथ इंडियन टच भी मैंने इसमें दिया है और आप इसे पूरी पराठा या फिर किसी साउथ इंडियन रेसिपी के साथ भी आप इसे बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है एक टुकड़ा कच्चा नारियल, जिसको मैं इस तरह पहले तो छोटे छोटे में काट लूँगी। तो छोटे छोटे काटेंगे ना तो ये पीसने में आसानी होती है। तो इस तरह इसे छोटे छोटे टुकड़े में मैंने काट लिया है। आप चाहे तो इसे डेसिकेटेड कोकोनट, जो कि नारियल का बुरादा आता है ना, उसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन फ्रेश वाले नारियल से बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल अलग तरह का बनेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और मैंने लिया है एक खीरा इसमें, तो खीरे को मैंने छिलके के साथ ही काटा है, खीरे का छिलका मैंने नहीं उतारा है। तो इसे भी इस तरह छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं। दो हरी मिर्च ली है, हरी मिर्च को भी तोड़ के लेते हैं। आप छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए और किसी चीज़ को आप तोड़ लीजिए तो आप देखेंगे कि बहुत ही फटाफट से ये पीस जाता है। और मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे भी छोटा छोटा काट लिया है। डाल लेती हूँ 1/2 चम्मच जीरा, खड़ा जीरा है ये, और थोड़े से पुदीना के पत्ते लिए हैं मैंने। तो आप थोड़ा सा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें धनिया नहीं डाला है, मैंने इसमें पुदीना पत्ता डाला है। 2 चम्मच दही डाल लेती हूँ। दही इसमें हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इसे पतला नहीं बनाना है। तो किस तरह का बनाना है ये आपको पीसने पे यहाँ पे पता चल जाएगा। ये चटनी थोड़ा सा ड्राई होता है और मैंने इसमें डाला है नमक, स्वादानुसार नमक। और पहले तो इसे थोड़ा सा रुक रुक कर चला लेते हैं और फिर थोड़ा सा इसे खोल करके देख लेते हैं। ये देखिए, तो बस ऐसा ही हमें ये चटनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप पीस देंगे तो ये बिल्कुल बारीक बन जाएगा। तो हमें ये चटनी इसी तरह की बनानी है, इसलिए ये देखिए हमारी चटनी तैयार है। ये चटनी थोड़ी सी ड्राई तरह की होती है, ड्राई होती है। और अब मैं इसमें एक तड़का लगा लेती हूँ। तड़का के लिए मैंने एक पैन लिया है और चम्मच लिया है। इसमें डाल लेते हैं सरसों तेल और डाल लेती हूँ राई, 1/2 चम्मच राई डाल लेती हूँ। और डाल लेती हूँ इसमें थोड़ी सी कलौंजी, सूखी लाल मिर्च, और लगा लेते हैं इसमें तड़का। ये चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और शायद आपने इसे पहले कभी ट्राई नहीं किया होगा, तो एक बार आप इस चटनी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये चटनी की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं ना फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे फिर एक और नई रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।